हेलो, तुम्हें ज्यादा पता है, मुझे ज्यादा पता है, नहीं ये ना पहले भी मालूम था मुझे ही ज्यादा। बहस मत करो, बहस की बात नहीं भाई। नहीं आप ये गलत कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। फालतू में आर्ग्यू करना है तो अलग। मैं क्या आर्ग्यू कर रहा हूँ? मैडम आप एचआर से बोल रहे हो? बेकार की बात है। हाँ जी, हाँ जी, या फालतू चीजों का टाइम देना मुझे पसंद ही नहीं है। दोनों जने लड़ रहे हैं, नए एम्प्लॉइज है ना, ये लड़ रहे हैं, पता नहीं किसी बात। नहीं मेरी एक लड़ नहीं रहे, लड़ नहीं रहे, ये मान नहीं रहे। आर्गुमेंट आपका, आप गलत कर रहे हो ना। आर्ग्यूमेंट नहीं यार, मैं तो सिर्फ एक डिस्कशन करना चाहता हूँ। अब उसको अगर डिबेट बनाना है भाई तो वो आपकी मर्जी है। आप मतलब अगर मेरे से चार दिन पहले ज्वाइन किया आपने तो आप सही हो गए। हाँ, मुझे ज्यादा पता है यार, मेरे से ना बहस मत करो, बेकार की बातें यार। छोटा भीम, छोटा भीम, अगली बारी आंखें मत दिखा देना। और ये सच्चाई है कि छोटा भीम ज्यादा पावरफुल है। नहीं, नोबिता को कम समझते हो तुम। नोबिता ज्यादा तेज है तुम्हारे साथ। नोबिता में ज्यादा पावर है, ज्यादा पावर, पावर। अच्छा, पावर की जब बात हो रही है ना, एक बार अगर छोटा भीम चढ़ गया ना उनकी पीठ पे, ऐसी पिट्टी करेगा ना वो, पिट्टी करेगा छोटा भीम। अच्छा अच्छा, एक बात बोल रहा हूँ, वॉर्न कर रहा हूँ। क्या? एक बार भी अगर शिनचैन के खिलाफ कुछ बोल दिया ना, शिनचैन सिर्फ गालियां देता है और मैं कुछ बता नहीं। रहा और एक सेकंड, ना। अच्छा, डोरेमोन बात भी बढ़िया से करता है। डोरेमोन, और वो जा, तेरा डोरेमोन देखा है, बहुत तेज है डोरेमोन। शिनचैन ऐसे ऐसे हवा में उड़ा देगा डोरेमोन को, समझ गया? कम से कम वो उड़ता तो है, तेरा शिनचैन तो उड़ भी नहीं सकता। उड़ता ही हुआ ना, हल्का सा फुर करके उड़ा दिया शिनचैन ने, आया वहां से। तो फिर भाई कल को तो तुम ये भी बोल लोगे कि जेरी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती टॉम की है। ओहो, तुम्हारा टॉम बड़ा प्यारा है, उसमें अकल तो है नहीं। कोई जेरी को बुरा, जेरी को बुरा मत बोलियो। टॉम क्यों मारता है जेरी को? एक सेकंड, जेरी को बुरा मत बोलियो। क्यों? क्योंकि जेरी चीज चुरा के भाग रहा है। करेगा, करेगा जेरी, करेगा। क्या हो गया? ऐसे कैसे करेगा? किसी की भी चीज नहीं, उसकी मर्जी है, करेगा। नहीं नहीं, तू ना बिल्कुल ऐसी बातें कर रहा है साबू जैसी, समझ गया? अकल है नहीं, बस जिस्म लेके बड़ा हो गया है, तो समझ गई? अब क्या, एक सेकंड। हाँ, साबू की बुराई कर रहा है और क्या? चाचा चौधरी कुछ नहीं है साबू के बिना। अगर चाचा चौधरी नहीं होते ना, तेरे साबू की कोई औकात नहीं होती, समझ गया? नहीं है साबू, अकेला ही बहुत है। कंप्यूटर से ज्यादा दिमाग तेज चल रहा है भाई। मैंने अगर ही मैन की तरह तलवार निकाल दी ना एक बारी। ओ, बात सुन ले, क्या शक्तिमान को पता चल गया ना तेरे ही मैन के बारे में, ऐसे करके ना, यू करके, देसी घी में जो पावर है ना, तेरे शक्तिमान तेरे ही मैन को हटा देगी। ऐसा कुछ नहीं है, चलना सुपर कमांडो ध्रुव जैसे नहीं टिक पाए इनके सामने। एक सेकंड भाई, एप्स किसके? हीमैन के। हीमैन के एप्स हैं? हाँ, बहुत एप्स हैं। अच्छा, शक्तिमान ने आज तक अपनी ड्रेस उतारी नहीं है, इस चक्कर में कहीं उसकी उसकी हवा खराब ना हो जाए। इतने एप्स हैं, 42 एप्स हैं। छुपा रहा होता है वो पेट अपना। ज्यादा बदतमीजी मत कर, एचआर को पता चल रहा है तो बात बदल रहा तो क्या कर लेगा? पीकाचू। क्या क्या हो रहा तुझे? पीकाचू गुस्सा दिखा रहा मुझे, गुस्सा। ऐसे करो जरा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता पिकाचू को। बहस देख, तू ना बहस सोच समझ क्या करेगा, तू ओवर एक्टिंग कर रहा है, इतने सो जाता है। ऊंच नीच के पापड़े में कौन अच्छा होता है, ऊंच या नीच? नीच। ऊंच अच्छी होती है, पता है नहीं कुछ। बहस मत कर मेरे से, अबे चल अबे दांत तोड़। इधर इधर इधर, अभी अभी इधर आओ ना, आ ना, क्या कर रहा है? आ आ, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़, कबूतर उड़, बकरा उड़। चल ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। बहस क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूं। बहस क्यों कर रहा है? स्टोन पेपर सीजर कर ले, आ जा, आ जा, कोई स्टोन पेपर सीजर ये ले। कहां से? अरे तू हार गया भाई। मैं हार गया तो क्या हो गया, फिर भी जीते हुए स्टोन काट देगा क्या? हेलो नकुल, क्या हाल चाल है भाई? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप कौन बोल रहे हैं? नकुल, मैं आरती दीदी से तेरा नंबर मिला था, तो वो मेरे को बता नहीं दी तेरे लिए लड़की ढूंढी जा रही है। ऐसी माइंड मत करियो भाई, मैं उन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब तू बात कर ले, लेकिन मैंने ऐसी पर्सनली फोन कर लिया तुझे। हमारे ना हमारे रिलेशन में ना 2-3 लड़कियां हैं, तो मम्मी कह रही थी जब तू उनसे बात कर सकता है तो कर ले, कि किस तरह की लड़की चाहिए आपको खुद, क्योंकि सबसे पहले तो आपकी चॉइस है, फिर लोगों की बाद में होगी ना। मैं एक बार आरती दीदी से कंफर्म करूं? आप उनसे बात करो। वैसे मैं उन्हीं के पास जा रहा हूं। वैसे आपको किस तरह की लड़की चाहिए, मतलब मम्मी पापा से कुछ बात तो हुई होगी ना? मैं एक्चुअली थोड़ा आउटगोइंग इंसान हूँ, तो मेरे को थोड़ा सा सेंस चाहिए कि वो मेरे साथ पार्टी करे या मेरे साथ थोड़ा चिल करे, थोड़ा ज्यादा मतलब घरवाली बन के ना रहे, और ड्राइविंग आती हो जो मैंने उनको बोला था। अच्छा, ड्राइविंग जरूरी है, और ड्राइविंग तो मेरे ख्याल से आजकल हर दूसरी लड़की को आती है, आई थिंक ड्राइविंग। वैसे ये सारी बातें आरती दीदी ने मुझे ही बताई थी, मैं सोचता था कुछ ऐसा तो नहीं है कि मिस कर रहा हूँ मैं, और कुछ? और हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है, ट्रैवल करने का बहुत शौक है, तो उसको मल्टी क्विजिन खाने का भी मतलब ऐसा हो कि ट्राई करना है तो और, हाँ करना है, और फायदा ही होता है उससे फायदा ही होता है आदमी को। आई एम सॉरी, मैं ऐसे अचानक से बोल रहा हूँ, लेकिन एक लड़की मेरी नजर में है, मैं पर्सनली भी जानता हूँ उसको, और इत्तेफाक से मेरे साथ ही है। यू वांट टू टॉक टू हर, अभी बात करोगे आप?
मैं एकदम से नहीं, आप बात तो करके, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब आप बात तो करो ना, बात तो करो ना। अरे मैं बात कराता हूँ। नव्या, नव्या नकुल, आप नव्या से बात करो। मैं थोड़ा सा, मेरी एक जूम मीटिंग है, मैं दूसरे कमरे में जा रहा हूँ, ठीक है? आप थोड़ी सी बात कर लो। ओके ओके। हेलो हेलो, हाय नकुल। हाय नव्या, आई एम सॉरी, मेरी ना आवाज थोड़ी ऐसे से है, मैं अभी जिम से आई हूँ, आई एम ऑल स्वेटी एंड आई एम ऑल एग्जॉस्टेड, और इसके बाद मुझे कैलेंडर शूट पर भी जाना है, तो आई एम टू बिजी, तो आई एम सो सॉरी इफ आई हरी इट अप। हां, कैलेंडर शूट? या व्हाट डू यू डू? आई एम एक्चुअली अ मॉडल। ओहो, दैट्स रियली नाइस। या अच्छा छोड़ो, मेरे को ना डिस्कस करनी है एक चीज। कल ना पता है क्या हुआ, पापा ना ऑफिस गए तो मुझे पीछे से कहीं जाना था तो मैं जा ही नहीं पाई। क्यों? मेरे को गाड़ी नहीं चलानी आती यार, बस प्रॉब्लम ही हो गई थी। अरे सो व्हाट, हमारी बात कल होनी चाहिए थी आज के बजाय। ओह, तो यू वुड हैव पिक्ड मी अप? ऑब्वियसली। सो स्वीट यार। सो व्हाट डू यू डू नकुल? आई वर्क इन एन आईटी कंपनी। ओह, आईटी गाइस आर टू हॉट राइट? सो डिड यू हैव योर लंच? नो नो, आई विल ईट इन सम टाइम। या मैं अभी ही कर रही हूँ, मैं दाल मखनी के साथ गार्लिक नान खा रही हूँ, आई जस्ट लव इट। और ये जो लोग ऐसे चोचले वोचले करते रहते हैं ना, इंटरनेशनल क्विजींस, ये वो मेरे को नहीं पसंद बिल्कुल भी। भाई देसी खाओ, मजा आता है। मुझे खुद नहीं पसंद, मैं खुद दाल मखनी और पराठे पराठे पसंद है मुझे। हाँ ना, ऐसे घी वी डाल के सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में पराठे खाओ, ये क्या कॉर्नफ्लेक्स मॉर्नफ्लेक्स, मेरे से नहीं होता है। एग्जैक्टली, हमारी बहुत बनेगी वैसे। तो आपको पता है नकुल, कल ना मेरा एकदम ऐसे मूड खराब सा हो गया था। अरे व्हाई, What happened? So the thing is, मम्मी मेरे को बोल रही है कि सभी जा रहे हैं ट्रिप पे, चलो चलो। मेरे को नहीं जाना है यार, मुझे घर रहना पसंद है, मैं नहीं जाऊंगी बाहर। अरे थोड़े दिन के लिए चले जाओ, क्या हो गया? नहीं, मुझे नहीं पसंद है, मुझे नहीं पसंद लोगों से सोशलाइज करना, मुझे नहीं पसंद पार्टी वार्टी करना। आई लाइक टू बी अलोन विद मे बी द मैन ऑफ माई ड्रीम्स। अरे तो मम्मा को बोल दे दो ना, जिंदगी घरों में भी होती है, ऐसे थोड़ा ना भारी होता है सब कुछ। वाओ यार, हमारी सोच कितनी मिलती है नकुल। I'm sorry यार, मेरा ज़ूम बात हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल मेरी तरह है ना, इसको इंटरनेशनल क्विजींस पसंद है। और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, और इसको बाहर जाना भी, मतलब वो बोल रहे कि घरों में ही जिंदगी है, बिल्कुल मेरे जैसा है नकुल। तो बात आगे बढ़ाए क्या? हाँ सर, बात आगे बढ़ा सकते हैं, मैं आरती दीदी से बात कर लेता हूँ। बात करो आरती दीदी से, ठीक है? आराम से मिलते हैं। ठीक। हेलो, दिस कॉल इज फ्रॉम, इट्स रिगार्डिंग योर डिलीवरी रिटर्न पैकेज। दिस कॉल मे बी रिकॉर्डेड फॉर इंटरनल ट्रेनिंग पर्पसेस। फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। मैडम बुरा मत मानो, मैं थोड़ा बिजी हूँ अभी, थोड़ा सा बिजी हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, आप प्रेस 1 करके इंग्लिश वाले से बात कर लो अभी प्लीज, ठीक है? इंग्लिश वाले से कर लो, थोड़ा सा बिजी हूँ मैं। वेलकम टू, हाउ मे आई असिस्ट यू? सर, आई वांटेड टू रिटर्न माय पैकेज, एक्चुअली जो भेजा है दैट इज नॉट व्हाट आई ऑर्डर्ड, ये साइज मुझे रिटर्न करना है। ओके, सो डिड यू प्लेस अ रिक्वेस्ट? यस, आई डिड प्लेस अ रिक्वेस्ट, बट आई प्रेस्ड ऑन हिंदी एंड दे सेड दे आर हैविंग चाय, व्हाट इज दिस? व्हाट डिड यू एग्जैक्टली ऑर्डर मैम? सर, आई ऑर्डर्ड अ पेयर ऑफ जींस, आई वांट टू रिटर्न देम। ओके, एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द इशू? सर, आई एम टू शॉर्ट फॉर दीज, मुझे एक छोटा साइज चाहिए। हेलो मैडम, हेलो हेलो मैडम, मैडम आप, मैं फ्री हो गया हूँ, चाय पूरी हो गई, आप टू दबा के हिंदी पे आ जाओ, टू दबा के आ जाओ आप हिंदी पे। अरे ये क्या कर रहे हो आप? नहीं मैं चाय पी रहा था ना। थैंक यू, धन्यवाद, जैसे कि आपने दबा दिया है। जी मैडम, मैं आप जान सकता हूँ? भैया पहले तो बताओ ये हो क्या रहा है। नहीं मैं थोड़ा बिजी था, आपने टू दबाया था ना हिंदी के लिए, तो मैं थोड़ा उस टाइम पे चाय पी रहा था, मैंने कहा आप जॉन से बात कर लो इतने। हाँ जी बताइए। सर वो जीन्स मंगवाई थी, हाँ। वापस करानी थी। तो वापस मैं जान सकता हूँ किस कारण आप वापस कर रहे हैं? सर वो साइज चेंज करवाना था, साइज थोड़ा गलत आ गया। साइज गलत आ गया तो मैं आपको बताता हूँ, आप फिर एक काम करिए, आपने वो रिक्वेस्ट तो डाल दी होगी ना वापसी की? हाँ जी सर, रिक्वेस्ट। यस, आई थिंक मैम वी हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट, प्लीज प्रेस 1 एंड टॉक टू मी मैम, आई विल गिव यू अ बेटर सॉल्यूशन। प्लीज प्रेस 1 मैम, आई रियली वांट टू गिव यू अ सॉल्यूशन। सर व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है ये? द नंबर इज 1 मैम। Yeah, welcome back, ma'am. Tell me, ma'am. Sir, I just spoke to you. I mean, ये क्या है? Yeah, but अगर आपको हिंदी में बात करनी है तो हम हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर, it's fine. नहीं नहीं नहीं, press two दबाए, हिंदी में कोई बात नहीं होगी। आप इधर आ जाओ ना, मैं आपको बता रहा हूँ। हेलो मैडम,
प्रेस टू करो आप, मेरे को बात करनी है आपसे, प्रेस टू तो करो। धन्यवाद मैडम। मैडम एक्चुअली टारगेट होते हैं वो इधर उधर करना चाह रहे हैं हमारे। मैडम मैं जान सकता हूँ आप जो डेनिम अपना वापस करना चाह रहे हैं, ये डेनिम क्या टाइट है क्या लूज है, आपको पसंद नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? सर छोटा है, कितनी बार बता चुकी हूँ हिंदी में भी इंग्लिश में भी। मैम प्लीज प्रेस वन, मेरा सैलरी कट हुआ है मैम। नहीं व्हाई प्रेस वन? नो डोंट प्रेस वन, स्टिक नहीं, आप प्रेस वन मत करना, इधर ही रहो आप, हिंदी पे रहो। मैं आपको ये बता रहा था मैडम, प्लीज प्रेस वन। नहीं मैडम आप उस पर ध्यान मत दीजिए, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जस्ट बॉट अ न्यू कार, आपने बताया कि आपके डेनिम मैम, क्या आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? प्लीज प्लीज प्रेस वन मैम, क्या हो रहा है ये? थैंक यू सो मच मैम। राइट मैम, सो एज आई वाज टेलिंग यू मैडम, ये बात गलत है, वैसे ये बात गलत है, आप प्रेस वन टू करके वापस आइए, मेरी आपसे शुरू में बात हुई थी, आपकी शुरू में मेरे से बात हुई है ना मैडम, प्रेस टू करके वापस आइए, आप बात करनी है आपसे। क्या बात करनी है बताइए तो? ऐसे नहीं कर सकते, प्रेस टू करिए ना आप पहले, अभी आप इंग्लिश में। धन्यवाद मैडम, आप जैसे बता रहे थे कि आपकी जीन्स, पेयर ऑफ जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको कलर पसंद ना आया हो, हो सकता है आपको कुछ दिक्कत हो रही हो, वी विल हम आपको हम रिटर्न कर देंगे इसको। मैम प्लीज प्रेस वन, हैप्पी न्यू ईयर मैम, प्लीज प्रेस वन। थैंक यू सो मच फॉर प्रेसिंग वन मैम, लाइक आई वाज सेइंग आई विल पर्सनली रिटर्न योर डेनिम टिल योर प्लेस। मैडम ये बात गलत है, किसी का दिल तोड़ देना, आप पहुंच गए फिर वहां पे वापिस आ जाओ, मैं बता रहा हूँ वापिस आ जाओ, ये इसके बस की नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसके बस की नहीं है। प्लीज गिव मी अ चांस, आप वापिस आओ टू पे, वापिस आप टू पे वापिस आओ। अच्छा हाँ टू पे आओ आप। धन्यवाद मैडम, जैसे आप बता रहे थे आपके डेनिम में प्रॉब्लम थी, मैडम इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम जल्द से जल्द इसको रिटर्न करेंगे और आपकी दूसरी डेनिम जो भी आप चूज करें, जो भी आप चूज करें वो आप। मैम लाइक आई डिस्कस्ड विद यू, इफ यू विल प्रेस वन आई विल ऑल्सो गिव यू एन एडिशनल कूपन विच यू कैन अवेल। थैंक यू सो मच मैम। या आई वाज टेलिंग यू, यू वांट योर जीन्स रिटर्न? यस सर आई विल मेक श्योर। मेरे पे भरोसा नहीं है आपको? मेरे पे भरोसा नहीं है आपको? हाँ मैडम मेरे को बताइए। मैम आई थिंक इनफ ऑफ दबाया ना, तू दबा दिया ना, वांट टू टॉक टू मी? नहीं क्या, शी इज नॉट टॉकिंग टू मी, मेरे से बात यू आर पोकिंग, उससे पूछ रहा, आपने क्या दबाया अभी? तू आप हिंदी पे हो ना, चाह क्या रहा है तू, चाह क्या रहा है? None of your business, okay? Just stay out of it, stay out of it. No, ma'am, you don't talk to me. नहीं इधर, ओए हेलो, मैडम, how are you touching? Do not get physical with me. मैं भी उसको, no, जब दो दबा दिया उसने, हाथ मत लगा बहन। ओ, तू वाली गाली बंदे, तेरी ये मेरी वाली गाली कैसी दी है तूने? मेरी वाली गाली कैसी दी है? मैडम देख रहे हो उसको, चीटर, वैसे बैठा हुआ है, प्रेस वन फॉर गाली, देखो कौन सी दे रहा है ये। मैडम आपने देखा ये बटन्स का कितना कमाल होता है ना, हंसी भी आती है दबाने से। मैडम हम रेडियो मिर्ची से नवेदर पंकित बोल रहे हैं। देखा, अब एक काम करिए, दूसरों को भी हंसा दीजिए आप, बस एक बटन और दबाना है, शेयर का बटन दबाइए आप। नो नो नो, व्हाट ही मींस टू से इज हिट शेयर, शेयर करो, हिट शेयर, शेयर करो, ये बता रहा हूँ मैं। हाथ कैसा लगा रहे, हाथ कैसा लगा रहा है, ये मेरी गाली दे रहा है। हेलो हेलो, yeah, I want to say something. Okay, yes please. I love, excuse me, what the hell, my girlfriend, I love my girlfriend and I have a girlfriend. Okay, to main kya karu, karna bhi nahi hai kuch, he has a girlfriend, main khadi hu na yahan pe, excuse me, to main kuch kar bhi nahi rahi hu, go to hell, mujhko kya karna? हेलो हेलो, यस, कुछ कहना है आपसे? या मैं बहुत प्यार करता हूँ अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी गर्लफ्रेंड से, एंड आई हैव अ गर्लफ्रेंड। उनको बोलो, एक्सक्यूज मी, तुम चिल्लाओ मत, समझ नहीं आ रहा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो मैं क्या करूं? तो करना भी मत, करना भी नहीं है, करना भी नहीं है, दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो, हाँ दूर ही रहो, दूर और दूर रहो, इसका तो हो गया, ये तो बढ़ गई, दूसरे को करो। हेलो, वन सेकेंड, यू होल्ड ऑन, इसको बोलो आई हैव अ गर्लफ्रेंड, और खड़ी हो यहाँ पर, दैट्स गुड, इवन आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो उससे बात करो ना, यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं मुझसे क्यों बात कर रही हैं आप, जब तुम्हारा है तो तुम अपने वाले से बात करो। पागल हो गए हो क्या, किसी और को फोन करो ना, तुम जाओ अपने बॉयफ्रेंड से बात करो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? तो तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात करो, बात करने को बोल रही है क्या? मैं ठीक हूँ, कल भी तो वो हुआ था ना, कल मैं तुम्हारा बहुत वेट किया, हाँ वो ठीक हो गया था, तुम्हारा वेट करने के चक्कर में ना, तुम क्यों सुन रही हो हमारी बातें?
हेलो हाय हाय मैं बहुत दिन से एक बात करना चाह रहा था. सनी? नहीं सनी नहीं हूं. तो फिर कौन हो? क्यों किया फोन? ये बताने के लिए कि आई हैव अ गर्लफ्रेंड. ये बताने के लिए बहुत दिन से सोच रहा था बता दूं. आई हैव अ गर्लफ्रेंड और ये रही. बोल रहा तुम? हाँ भाई क्या प्रॉब्लम है? कौन बोल रहा? मेरी गर्लफ्रेंड. मेरी गर्लफ्रेंड. तो मुझे क्यों फोन किया? यही बताने के लिए कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ. तो मेरे को क्या बता रहे हो फिर? तो फिर किसको बताएं? या तो आप बता दो किसको बताएं. अपनी गर्लफ्रेंड को बताओ. मेरे उसको को तो बता ही दिया. उसको तो बता ही दिया मैंने ना. उसको मालूम है. किसी और को जाके बताओ. मेरे को क्यों बता? किसी और को बता देते हैं. ठीक है बुरा क्यों मान रही हो? हेलो एक्सक्यूज मी. हाँ जी. आई हैव अ गर्लफ्रेंड. मजे हैं यार तुम्हारे. अब एक काम करो जल्दी जल्दी टैग करो सबको और बता दो यू हैव अ गर्लफ्रेंड. आज जिस लड़के को फोन कर रहे हैं ना मैं और पलक, इस लड़के का फ्राइडे को इंटरव्यू है और इसकी ड्रीम कंपनी है और बहुत तैयारी करी है इसने इंटरव्यू की और ये फाइनल इंटरव्यू है. अब इसका मुर्गा बनाने की कोशिश करते हैं और ये पलक साथ में है तो हो सकता है मजा सादा है. हेलो बेटा. हनी? हाँ जी बेटा. नहीं आप मेरे को पता नहीं तू पहचानता नहीं पहचानता. मेरे को नंबर मिला था तेरा लुधियाने से. मैं गया था लुधियाना. मैं दिल्ली आया हुआ हूँ अभी. लुधियाने तो? हाँ दिल्ली. मैं दिल्ली आया हूँ अभी. मेरे को लुधियाना में ये नहीं है आने वाले. हाँ जी. इन्होंने मेरे को नंबर दिया था. ओ, ओ, हाँ हाँ जी हाँ जी. हनी बेटा मेरे को आपसे काम ये है. मैं एक्चुअली दिल्ली में नया आया हूँ. अब लुधियाना में पले बड़े हैं वहीं रहे हैं तो दिल्ली में मेरे को पता नहीं. उन्होंने नंबर दिया था कि आप हनी से हेल्प ले लेना. बेटा फ्राइडे फ्री हो आप? फ्राइडे आप काम बोलिए अंकल. बेटा मैं यहाँ पे अब तेरे को बता देता हूँ. मैं एक्चुअल में मेरे को मैं अभी रुका हूँ नोएडा और मेरे को गोल मार्केट जाना है. सीपी से आगे जो गोल मार्केट है वो गोल्डा खाना नहीं है वहाँ पे काम है मेरे को. तो आपसे मैं ये पूछ रहा था अगर आपके पास टाइम हो तो बेटा अपनी गाड़ी से मेरे को आप वहां ले चलो इस फ्राइडे. 2 घंटे लगने हैं वहां पे फिर आ जाएंगे दोनों. अंकल फ्राइडे को यार मैं अंकल आई एम रियली सॉरी मेरे को मना करना पड़ रहा है ऐसे बट मेरा बहुत जरूरी इंटरव्यू है फ्राइडे को और फाइनल इंटरव्यू है मैं मिस नहीं कर सकता. और फिर कितनी देर चलेगा इंटरव्यू? चल जाएगा अंकल. अब 2 घंटे भी लग सकते हैं 3 भी लग सकते हैं अंकल. आई एम रियली सॉरी. नहीं नहीं बेटा ऐसे कोई बात नहीं है. बस ये था काम जरूरी था गोल्ड रखा ना यार मैंने. अंकल आप एक काम करो ना. आप नोएडा से सीधी कैब क्यों नहीं पकड़ते? ये आज तो आप लेके नहीं जा रहे यार मेरे को गुस्सा आ जाएगा. मतलब अगर मैं लुधियाना से बता भी रहा हूँ और थोड़े रिश्तेदारी भी बता रहा हूँ कैब से घुमाते हैं अपने रिश्तेदारों को. मतलब तू कल को लुधियाना? नहीं 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 हंसने की बात नहीं है. तू कल को लुधियाना आए मैं तेरे से बोल दूं जा बेटा हनी चला जा कैब से. नहीं नहीं अंकल तुम बुरा ना मानो यार मेरा जरूरी इंटरव्यू है मैं ले चलता थाने. चल कोई गल नहीं. ठीक है बेटा हनी गुड लक. कब है? बस अंकल इसी फ्राइडे है तो इसी दुआ करो. गुड लक. मैं दुआ कर रहा हूँ फिर उसके बाद तो चलेगा. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है बेटा देखेंगे. ठीक है गुड लक. ओके ओके बाय. नमस्ते. हेलो. हाय हनी. हाय हू इज दिस? हुज दिस? मुझे इंस्टा पे मैसेज कर रहे हो स्टॉक कर रहे हो मैं रिप्लाई नहीं करी तो सैड वाले इमोजी भी भेज रहे हो और पूछ रहे हो हुज दिस? रिया. अरे एक बात बताओ ना वो कौन सा स्माइली भेजा था मैंने जिसमें दिल निकल रहे हैं कि आंसू निकल रहे हैं? आंसू वाला. अच्छा साक्षी आए पहचान ही लिया नॉटी बॉय. नॉटी तो क्या है विद हाउ आर यू? आई एम गुड हाउ आर यू? डू यू नॉट मिस मी? ओ आई मिस यू अ लॉट हनी. यू रिमेंबर हनी? हां ऑफ कोर्स आई रिमेंबर हनी. अच्छा बाकी सब बातें बाद में. लेट्स मीट. मीन या श्योर व्हेन? दिस फ्राइडे.
फ्राइडे नाइट? नहीं 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 नहीं, फ्राइडे नाइट को पापा नहीं मानेंगे, फ्राइडे दिन में मिलते हैं ना, और फिर जब हम मिल लेंगे तो दिन और रात तो एक ही हो जाएगा। फ्राइडे फ्राइडे यार, चलो यार चलो फ्राइडे डन करते हैं यार, साक्षी साक्षी फ्राइडे डन करते हैं साक्षी। तो ब्रंच पे मिलते हैं सीपी में? ब्रंच इन सीपी साउंड्स गुड यार, फिर दिन रात भी एक हो जाएगा। आर यू श्योर? फ्राइडे को 10 AM इन द मॉर्निंग ब्रंच पे सीपी? या हनी ऑफ कोर्स, पक्का ना? 10 सीपी ऑफ कोर्स, आई विल पिक यू अप। तो हनी बेटा, जब तू उसको पिक कर रहा है तो मेरे को भी उठा लेना, मेरे को गोल्डा खाना छोड़ देना, और तुम दोनों जब तक ब्रंच करोगे 1-1.5 घंटा लगेगा, मैं गोल्डा खाना मैं निपटा लूंगा अपना काम। मनी ऑर्डर का काम है, इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। तू मेरे को बता रहा था तेरा इंटरव्यू है फ्राइडे को, कौन सी कंपनी में इंटरव्यू है तेरा? ब्रंच अंकल, ब्रंच। ब्रंच में? ब्रंच प्राइवेट लिमिटेड। चल ठीक है, गुड लक गुड लक गुड लक, तू इंटरव्यू दे, तू इंटरव्यू दे, सीरियस दे। हेलो हेलो, ये ट्रैवल एजेंसी से बोल रहे हैं आप? यस सर। सर थोड़ा सा आपसे पैकेज के बारे में पूछना था। हाँ सर, मैं बताता हूँ ना अपने पैकेज के बारे में आपको। सर लास्ट टाइम भी आपसे बात करी थी, उस टाइम तो हम नैनीताल नहीं गए थे, 4-5 लोगों की बात हुई थी लास्ट टाइम, नैनीताल नहीं गए थे उस टाइम पे। अरे वैसे ऐसे कहाँ याद रहेगा यार। नहीं मैं वो नहीं नहीं, उससे कुछ लेना देना नहीं है, उससे कुछ लेना देना नहीं। और सर सब बढ़िया है वैसे घर पे? हाँ बहुत बढ़िया, आप बताइए कैसे हैं? बस सर काट रहे हैं थोड़ा, सोचा घूमने फिरने का, अभी तो ये है कि घर पे सब कुशल मंगल है, बस ये बीमारी खत्म हो जाए जल्दी। सारी बीमारी तो ले रखी है यार, ये मतलब पूरे धंधे की वाट लगी है। मैं नहीं समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ सर। तो मैं थोड़ा पैकेज के बारे में बता देते, लास्ट टाइम जैसे बताया ना, लास्ट टाइम नैनीताल का नहीं गए थे हम, 4 लोगों का जाने का हो रहा था, नहीं गए हम नैनीताल। भाई साहब इस बार मनाली नहीं जा रहे हैं, तो उसके बारे में पूछना था मुझे। नहीं इस टाइम ना हम, एक सेकंड रुकिए काउंट करके बताता हूँ, मैं वाइफ 2 बच्चे मम्मी पापा बहने, 7 लोग नहीं जा रहे हैं सर, 7 लोग मनाली नहीं जा रहे हैं। हाँ सर नहीं जा रहे हैं, 7 लोग नहीं जा रहे हैं। तो मुझे यही पूछना था कि 7 लोग में क्या आपके यहाँ प्रोविजन है सर? कहाँ नहीं जाना आपको ये बताइए सर। नैनीताल, नैनीताल। तो पहले सर हमारा प्रोग्राम था ये आपका जैसलमेर नहीं जाने का, तो रात में पापा कहने लगे यार जैसलमेर नहीं जाने में वो मज़ा नहीं है, मनाली नहीं जाते। तो सर इसमें जैसे 7 लोग नहीं जा रहे हैं, तो कितने 7 कमरे नहीं चाहिए होंगे ना? मैं पहले ही आपको बता दूं, पिछली बार हम नहीं गए थे ना, जिस ट्रैवल एजेंट से नहीं गए थे तो उसको क्लियर नहीं हुआ था। तो सर एक तो आप हमें, क्योंकि नहीं जा रहे हैं तो 7 कमरे नहीं चाहिए होंगे, तो हमें ब्रेकफास्ट नहीं चाहिए एक तो, और लंच और डिनर तो नहीं करना है। अच्छा ये बताओ आप लोग कब ले जा रहे हो? सर हम मंडे सुबह को नहीं निकलने का सोच रहे हैं, तो मंडे सुबह नहीं निकल के आप लगा लो सैटरडे रात वापस नहीं आ रहे हैं। और सर इसमें क्या साइट सीन कभी होता है ना आपका? होता है। तो वही मैं आपको बताया था सर, इसमें देखिए ये है कि आप के थ्रू अगर पैकेज नहीं लेते हैं तो सर इसमें हाईएस्ट पीक नहीं देखनी है हमें। और सर स्नोफॉल हो रही होगी क्या इस टाइम? नहीं भाई अभी नहीं हो रही है। बात तो बहुत बढ़िया, क्योंकि सर स्नोफॉल तो जरूर नहीं देखनी है हमें, स्नोफॉल ना देखने का बहुत शौक है। हमारे तो बच्चे कहते हैं पापा स्नोफॉल नहीं देखेंगे, पापा स्नोफॉल नहीं देखेंगे। मैंने कहा कुछ दिन ठहर जाओ फिर नहीं देखेंगे। सर क्योंकि 7 लोग नहीं जा रहे हैं, तो 7 लोग ना जाने ना आने का मेरे ख्याल से 7 सीटर नहीं चाहिए होगी। भाई 11 सीटर भी नहीं चाहिए होगी। नहीं 11 सीटर नहीं चाहिए होगी, ज्यादा हो जाएगी सर, 7 ही नहीं चाहिए होगी, क्योंकि 7 नहीं जा रहे हैं ना, 11 नहीं जा रहे। एक सेकंड रुको, आप भी नहीं जा रहे हो? सर आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी मासी और मेरी बुआ भी कह रहे हैं वो भी नहीं जा रहे हैं। अच्छा सर इसमें जैसे जहां नहीं ठहर रहे हैं हम आपके थ्रू, तो उसमें क्या क्या नहीं मिल रहा है खाने को? भाई जो तुम नहीं जाओगे ना वो नहीं मिलेगा। सर मैं बताऊं, माइंड मत करना, पहले शुरू शुरू में कहते हो, फिर हम कहते हैं नहीं चाहिए दे देते हैं, फिर हमारा होता मूड खराब, ये तो नहीं चाहिए था वो मिल गया। सर ठंड तो बहुत होगी ना वहां पे अभी?
ठंड तो सर जो आप कमरा में नहीं दे रहे हो ना उसमें गीजर नहीं चाहिए बस्कर भाई बस्कर बस्कर हेलो सर हाँ सर अच्छा सर एक चीज और क्लियर कर दो क्योंकि है तो थोड़ा रिस्की रात सब डर भी रहे थे लेकिन बंजी जंपिंग भी नहीं करना हमें इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना नहीं भाई कुछ नहीं प्रिकॉशंस लेके नहीं करेंगे जो चाहोगे वैसा होगा हाँ प्रिकॉशंस लेके नहीं करेंगे ना ना क्योंकि सर लास्ट टाइम नैनीताल नहीं गए थे वो मजा नहीं आया इतना मैं चाह रहा हूँ इस बार मनाली ना जाके ना मजा नहीं आ जाए सर सर वैसे ही पूछ रहा हूँ अगर सैटरडे सुबह 7 बजे नहीं निकलते हम तो यहाँ से मनाली तक कितने घंटे नहीं लगेंगे भाई कम से कम 7.5 घंटे नहीं लगेंगे सर ये तो बहुत नहीं लग रहे हैं इसका मतलब और सवेरे नहीं निकलना पड़ेगा ना? सर आ रहा है ना मतलब बिना घूमे आप सबका यही हाल है सर तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं भाई जो नहीं निकलेंगे नहीं कहीं नहीं जाएंगे नहीं